कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस तब किया जब दो दिन तक लगातार हमारी वरिष्ठ नेताओं के साथ कई एजेंडों पर हमारी बातचीत, जिसमें कि महत्वपूर्ण जाति जनगणना था, बेरोजगारी का था, महंगाई का था, सांप्रदायिक शक्तियां जिस प्रकार से समाज में तनाव पैदा कर रही हैं, इन सारे विषयों पर था। और आप सब लोगों को पता है जब बिहार विधानसभा सत्र चल रहा था, अभी बजट सत्र, तभी इस मामले को हमने उठाया था और ये बात भी कही थी, भाई जब मुख्यमंत्री जी ने कमिट किया है कि वो जाति जनगणना जो है इसके पक्ष में है और दो बार बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद से पारित जब कर दिया गया, तभी लोगों का मिजाज जो था ऑल पार्टी मीट का इसके पक्ष में रहा और हम लोग प्रधानमंत्री से भी जा कर के मिल के। देखिए, इस मामले में जातीय जनगणना को लेकर के जो मामला है, हमको प्रधानमंत्री से भी मिलना जाना पड़ा तो हम गए, हमने अपने बात को रखा और मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग गए थे, डेलीगेशन भी हम लोग बिहार विधानसभा में लेकर गए तो अपोजिशन, तो उनका कहना था कि भाई बिहार विधानसभा के बाद ऑल पार्टी मीट जो है, आप प्रेस को भी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि ऑल पार्टी मीट बुला करके इस पे जो है सब लोगों की राय लेकर के हम जो है इस काम को करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने तो हमको आश्वस्त किया है कि एकदम जो है सब लोग को बस बुला करके राय लेकर के इस बात को करेंगे, बाकी काम जो है मोटा मोटी वो काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन टाइम फ्रेम हमको इन्होंने यही कहा कि अति शीघ्र जो है इस काम को वो करेंगे, बुलाएंगे सब लोगों का राय जो है। अब जब ये बात बोले, वैसे राय की तो ज़रूरत मेरे अनुसार होनी नहीं चाहिए, लेकिन अब मुख्यमंत्री कैबिनेट से करके कर देना है, मुख्यमंत्री जी अब कह रहे हैं क्योंकि कैबिनेट में ये पास होना है तो उसमें भी उनके जितने अलायंस पार्टनर हैं वो भी हैं, केवल मुख्यमंत्री जी की पार्टी नहीं है,